खबर जांजगीर से। शैक्षणिक जिला शक्ति के अंतर्गत चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक धबरा के ग्राम पंचायत गाड़ापालिका आश्रित ग्राम फलियामुंडा की शासकीय प्राथमिक शाला भवन जर्जर हो चुका है। हम आपको बता दें, प्राथमिक शाला फलियामुंडा में कई बुनियादी सुविधाओं के अभाव है। विद्यालय भवन का स्थिति दयनीय होने के कारण ननिहालों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ननिहालों के लिए शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। शौचालय भी अति जर्जर हो चुका है। शासकीय प्राथमिक शाला फलियामुंडा में मध्याह्न भोजन संचालन के लिए किचन शेड नहीं है। छात्र छात्राएं जर्जर स्कूल भवन में पढ़ाई करने को विवश है। प्राथमिक शाला भवन के जगह जगह दीवारों में दरारें पड़ चुकी है। ऊपर की छत का प्लास्टर उखड़ कर नीचे गिर रहा है। भवन के नीचे भी फर्श हुई जगह जगह दरारें उखड़ी हुई है। इस भवन ननिहालों को डर डर कर पढ़ाई करते हैं। गांव में लगातार शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिर रही है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी ग्राम फलियामुंडा के ननिहालों के लिए विद्यालय भवन के निर्माण नहीं करवाया गया, जबकि इस प्राथमिक विद्यालय में कुल 18 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं और 2 शिक्षिकाएं पदस्थ हैं। नए विद्यालय भवन नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं की दर संख्या लगातार हर साल घट रही है। वहीं विद्यालय भवन के निर्माण सन 2007 एवं 2008 में किया गया था, जबकि शाला भवन 6 सालों से जर्जर की स्थिति में है। इसके बाद भी शासन प्रशासन सांसद विधायक जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बरसात के दिनों में पानी टपकता है, छत पूरी तरह से जो छत लेंटर किए हैं वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। इस दिशा में हमने ग्राम पंचायत और विकास कम शिक्षा अधिकारी संकुल को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस दिशा में आज तक किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। बता पूरा। मोर नाम भूमिका है, कक्षा चौथी। हाँ, हमारे गाँव के नाम फलियामुंडा है। हम जो स्कूल पढ़थन थी हाँ फूट टूट गए। बैठन ते जगह पानी थी थे और जतका झीन लड़का मन डर डर के पढ़ते और प्लस्तर कर रहे थे मन फाड़।